हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट फूड विद नेहा। आज मैं आप सबको बनाकर दिखाऊंगी परवल की मिठाई। हलवाई के जैसे परवल की मिठाई बनाने का एक सीक्रेट तरीका है जो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो परवल लिया है, जिसके छिलके को हम छील लेंगे। सारा परवल को इसी तरीके से छील लें और ऊपर के नीचे के पार्ट को कट कर दें। एक नाइफ की हेल्प से हम बीज में स्लिट कर देंगे और इसके अंदर के जो बीज है उसे हम एक स्पून की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को बहुत ही सावधानी से करें वरना परवल टूट सकते हैं। इसी तरीके से सारे परवल के बीज को हम बाहर कर लेंगे। ये देखिए सारा परवल कट हो गया है, तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसमें हाफ लीटर पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि सारा परवल डिप हो जाए। अब बारी आती है वो सीक्रेट तरीका की जो हलवाई लोग यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, इसे हम चूना कहते हैं, जो खाने वाला चूना होता है जो नॉर्मली पान की दुकान में मिल जाता है। इसे हम लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसे हम इसमें मिला देंगे ताकि परवल का कलर जो है वो हरा रहे और कड़ा रहे। इससे मिठाई जो है वो बहुत स्वादिष्ट बनती है। इसे आप 4 से 5 घंटे के लिए रख सकते हैं या फिर आप इसे रात भर के लिए रख सकते हैं। इससे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे मैंने रात भर के लिए रख दिया था। देखिए, तो ये देखिए अब सारे पानी को हम ड्रेन कर देंगे। तो मैंने पानी को ड्रेन कर दिया है और साफ़ पानी से भी इसे धो दिया है। अब हम एक कढ़ाई में पानी को बॉयल करके इसी परवल को डाल देंगे ताकि चूना अच्छे से निकल जाए। एक उबाल आने तक हम इसे छोड़ देंगे, फिर हम इस सारे परवल को बाहर निकाल लेंगे। चलिए अब हम चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी चीनी लिया है और इसमें 3 कटोरी पानी डाल देंगे। और तब तक चाशनी को हमें बॉईल करना है जब तक चीनी पिघल ना जाए। बस हमें सिर्फ चीनी पिघलानी है, 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए चीनी सारे मेल्ट हो गया है, तो हम इसमें परवल डाल देंगे और इसे कवर करके 15 मिनट तक पकने देंगे। इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। ये देखिए अब इसमें हम 1 चम्मच केवड़ा एसेंस डालेंगे। ये भी हलवाई लोग ज़रूर डालते हैं, इससे जो है परवल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये भी एक तरीका है जिसे हलवाई लोग ज़रूर यूज़ करते हैं। ये देखिए शुगर सिरप भी अब रिड्यूस होना शुरू हो गया है। इसे धीमी आंच में पकाएं और परवल भी ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये अब बनकर रेडी हो गया है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कि परवल का कलर कितना अच्छा आया है, हमने कोई फूड कलर इसमें ऐड नहीं किया है, फिर भी परवल बहुत ही अच्छा ग्रीन है। ये अब हम इसके अंदर की स्टफिंग रेडी करते हैं। तो मैंने 1 कटोरी खोया लिया है जिसे मैंने घर पर ही रेडी किया है। इसमें 2 चम्मच हम चीनी डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो वो इसमें आप ऐड कर दीजिए और इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर ही पकाएं। अब इसमें 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दें, इसे मिला लें और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। देखिए मैं परवल भी रेडी है और स्टफिंग भी रेडी है, दोनों ठंडा हो चुका है। तो हम स्टफिंग को डालते हैं। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हमें धीरे धीरे स्टफिंग को अंदर डालना है। देखिए ऐसे, इसी तरीके से हम बाकी के परवल में भी खोया डाल देंगे। मिठाई को किसी भी त्यौहार में या खुशी के मौके पर बनाए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरीके से मैंने सारे परवल में खोया डाल दिया है। ये देखिए इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये वाली मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और यूनिक टेस्ट होता है, तो आप इसे बना कर ज़रूर देखें। तो चलिए अब मैं इसमें चांदी का वर्क लगाऊँगी। ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाएं। देखिए मैं एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा सब में लगा रही हूँ, इससे जो है परवल बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। ये देखिए चांदी का वर्क लगा देने से ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगता है और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये घर पे बना हुआ है। बल्कि मैं तो कहूँगी ये मार्केट वाले परवल की मिठाई से भी ज़्यादा टेस्टी होता है, तो आप इसे बनाकर ज़रूर देखें। कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।